आप उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मान के आप उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, इसमें भी वही होगा जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिले, उसी को उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने उसको दोहराया है। तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि शिक्षकों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक गरिमापूर्ण स्थिति में उनसे बात करके इसको कार्यान्वयन करना चाहिए। शिक्षा विभाग सिर्फ केस लड़ने के लिए नहीं, शिक्षकों को भी संपोषित करने के लिए है, शिक्षालय को भी संपोषित करने के लिए है, इस राज्य के शिक्षा की स्थिति को दुरुस्त करना है, न कि अधिकारियों को टीए डीए लेके प्लेन से घूमने के लिए और वकीलों को पैसा खर्च करने के लिए, जो गांव गरीब के किसान के जो नमक से कफन तक जो राज्य सरकार टैक्स लेती है, वो शिक्षकों के और अन्य कामों में केस लड़ने के नाम पर अधिकारी जो गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, उस परंपरा को बंद करना चाहिए। और मैं पटना उच्च न्यायालय के इस निर्णय को मैं बधाई देता हूं कि एक समान काम के लिए समान वेतन जो भारत के संविधान में प्रोटेक्शन मिला है, उसको हूबहू लागू करने का निर्देश दिया है। और आप उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मान के आप उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ही उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, इसलिए उच्चतम न्यायालय राज्य सरकार के पिटीशन को खारिज करेगा ही और शिक्षक जीतेंगे ही और उनको समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा ही, जो संविधान में, जो भारत के संविधान में जो प्रोटेक्शन है समानता का अधिकार।